नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज फर्स्ट बैच 2022 एडमिट कार्ड और रीजनल एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अभी तक आपने जो है एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम स्टेट के बारे में जाना था और पिछली वीडियो में, और एडमिट कार्ड जो है लाइव आ चुका है और रीजनल एडमिट कार्ड इस वीडियो में आप देखिए। सिंपल जो है आपको सबसे पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ डालना है जो आपने फॉर्म करते समय फिल किया था और पासवर्ड को बनाया था, यहाँ कैप्चा डालना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया तो डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है और यहाँ क्लिक करते ही आपका जो है यहाँ से प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट आउट डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार का होता है और इसको जो है कलर प्रिंट आउट ले जाना है। यदि आप कलर प्रिंट आउट नहीं ले जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ देखिए ये कुछ डिटेल जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से हाइड की गई है, बट आप जब आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल और क्लियर एडमिट कार्ड निकलेगा। ये भी ओरिजिनल ही है बट सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ डिटेल को हाइड किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं आप एडमिट कार्ड को, एक बड़ी खुशखबरी है जो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है कल शाम को, और बट किसी रीजन से वीडियो नहीं बना पाया, वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं यह पूरा इसका एग्ज़ाम सिटी वगैरह, यहाँ देखिए सेंटर ऑफ एग्ज़ाम दिया गया है पूरा और यहाँ टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिया गया है। आप भी फटाफट अपना पोर्टल को लॉगिन करें और चेक करें कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपका एडमिट कार्ड इस प्रकार का है या नहीं, डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, और ओरिजिनल लाइव एडमिट कार्ड आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर इस प्रकार से यहाँ टिक करना है आपको। टिक करते ही जैसे यहाँ पर डाउनलोड करना है, कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट एट द एग्ज़ाम सेंटर, ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट ले जाना है आपको, ना कि आप फोटो कॉपी लेके पहुँच जाएँ, दिक्कत हो जाएगी। वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज सबमिट इन एप्लीकेशन, आपने आधार कार्ड लगाया था तो आधार कार्ड ओरिजिनल आपको, एंड मेंशन इन ई एडमिट कार्ड ओरिजिनल बाई पोस्ट आता है वो वाला और ई एडमिट कार्ड है तो वो वाला दोनों ही चलेंगे। वन कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड वाइट नॉट अलाउड है, कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए इसका। और एक COVID-19 वाला होता है उसका भी प्रिंट कर लेंगे और एक इसका प्रिंट कर लेंगे। टू पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी उनकी दो फोटो चाहिए, आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर्स एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन फॉर्म, जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया था उस प्रकार के फोटो आपको जो है बनवा लेनी है, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स एक बड़ी खुशखबरी, इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज फर्स्ट बैच 2022 का एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिनके एग्ज़ाम 30 मार्च को है और किसी का अगर आगे की तरफ अप्रैल में है तो उसका जो है 3 या 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है इसी प्रकार से निकलेगा। प्रोसेस यही है, कोई समस्या है तो हमको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार।